नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिक इंडिया में। दोस्तों, यह सवाल कई सदियों से वैज्ञानिकों और दर्शन शास्त्रियों का दिमाग खराब करता रहा है कि कौन पहले आया, मुर्गी या अंडा। तो क्या आप बता सकते हैं दोस्तों कि कौन पहले आया? अगर आपका कहना है अंडा, तो अगला आपसे सवाल होगा कि अंडा दिया किसने, और अगर आप कहेंगे कि मुर्गी, मुर्गी आई कहाँ से? टपकी तो नहीं होगी, किसी अंडे से ही निकली होगी। अगर वह अंडे से निकली है तो अंडा पहले से कहाँ से आया? तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर कौन पहले आया, मुर्गी या अंडा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप चकरा जाएंगे, झुंझला जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, लेकिन आपको जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अब यह परेशानी दूर होती दिख रही है, क्योंकि शेफील्ड और बार्विक विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके पास इस सवाल का जवाब है। डॉक्टर फ्रीमैन ने कंप्यूटर मॉडलिंग का उपयोग करते हुए एक प्रोटीन का पता लगाया है, जिसे OC17 या फिर OVOCLEDIN17 के नाम से जाना जाता है। यह प्रोटीन तेजी से अंडे का खोल तैयार करने में सहायता करता है। अरे, यह तो एकदम सीधा सा जवाब है। अंडे का खोल तैयार करने के लिए जिस प्रोटीन की ज़रूरत होती है, वह सिर्फ मुर्गी के अंडाशय में होता है। तो इसका मतलब अंडा मुर्गी से आया। वाह, मिल गया ना जवाब। लेकिन एक सेकेंड, ये तो बताइए कि अंडा देने को मुर्गी कहाँ से आई? तो इसका जवाब भी है डॉक्टर फ्रीमैन के पास। डॉक्टर फ्रीमैन कहते हैं कि मुर्गी कुछ उन प्रजातियों से पैदा हुई है जो अंडे देती हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि मुर्गी अंडे से पैदा हुई है। लेकिन थोड़ी देर पहले हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि अंडा मुर्गी ने दिया है। दोस्तों, ये उलझन कभी समाप्त नहीं होने वाली है। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल से ऐसी ही रोचक जानकारियां पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।